हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लास क्लास ऑफ माय 2020 बिगिनर सीरीज सो आज की में हम लोग बनाएंगे एक बहुत ही सिंपल सा आप यानी कि एक झूमर तैयार करेंगे यहाँ हम लोग यूज करने वाले हैं अगेन नर्व टूल्स को बिकॉज ये जिस तरह के भी ज्योमेट्रीज हम लोग अभी तक बना रहे हैं यहाँ पे नर्व्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा आप कर सकते हैं और इसके हेल्प से कॉम्प्लेक्स शेप्स एंड ज्योमेट्रीज को ईजिली तैयार कर सकते हैं तो हेलो एवरीवन वेलकम टू जीएफ एक्स ज्ञान मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर रोशन चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सो so आज की क्लास में हम लोग बनाएंगे इस शेंडेलियर को इस रेफरेंस को मैंने गूगल से निकाला हुआ है आप कही तो इस इमेज को सर्च कर सकते हैं ड्यू टू कॉपी राइट इश्यूज आई कैन नॉट शेयर दिस इमेज बट आप लोग सिमिलर इमेजेस को सर्च कर सकते हैं और सिमिलर मेथड से आप शेंडेलियर को यानी कि झूमर को तैयार कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे और चलते हैं माया में माया में सबसे पहले हम लोग इस इमेज प्लेन को सेटअप करेंगे और इसके बाद में हम लोग इस मॉडल को बनाना स्टार्ट करेंगे तो चलिए चलते हैं माया में राइट तो मैं आ चुका हूँ माया में तो सबसे पहला काम हम लोगों को करना है अपना इमेज प्लेन सेटअप करना है यानी रेफरेंस इमेज सेट करना है इसके लिए हम लोग जाएंगे अपने फ्रंट व्यू में तो मैं यहाँ पे स्पेस बार दबाता हूँ तो स्पेस बार दबाने के बाद मैं आ चुका हूँ मेरे सारे तीनों व्यूज़ में यानी ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ में मैं आ चुका हूँ एंड नाउ व्हाट वी विल डू वी विल सेटअप और इमेज प्लेन तो इमेज प्लेन के लिए मैं आता हूँ व्यू इमेज प्लेन एंड लेट्स क्लिक ऑन इमेज प्लेन एंड देन विल गो टू आवर फोल्डर तो क्लिक करते हैं इमेज इम्पोर्ट इमेज पे राइट तो right. so, ये हमारा इमेज है इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं ना इमेज को हम लोगों ने ओपन कर दिया नाव इमेज क्वालिटी थोड़ी सी लो है बिकॉज इससे बेटर क्वालिटी मुझे मिली नहीं सो आई एम यूजिंग दिस थिंग यस थोड़ी सी डिटेल इसमें देखना डिफिकल्ट uh, हो जाता है बट स्टिल ट्राई टू क्रिएट एज गुड एज शेप पॉसिबल ठीक है तो सबसे पहला काम आप कर सकते हैं कि यहाँ पे इस रेफरेंस इमेज को आप ऊपर की तरफ मूव कर ले इस तरह से राइट एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन इवन स्केल इट थोड़ा सा आप तो इसे बड़ा भी कर ले ठीक है इट्स कंप्लीटली अप टू यू इफ यू वॉन्ट टू मेक इट देन परसपेक्टिव व्यू में हम लोग इसे जी एक्सेस में थोड़ा पीछे की तरफ मूव कर देंगे यू कैन ऑल्सो हाइड दिस इमेज प्लेन अगर आप चाहते हैं कि इस इमेज प्लेन को आप हाइड कर दे तो इसे सिलेक्ट करें

एंड वी विल बी यूजिंग आवर सर्फेसिंग टूल जहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे को, kind of तो ये सर्कुलर शेप्स है यस yes, यहाँ पे हम लोग एक टूल और यूज करेंगे जो कि होगा एक्सट्रूड, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप ये पाइप कैसे बना सकते हैं अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव फाइव लैम्प शेड हम लोगों को मिल जा रहे हैं एंड वी विल बी यूजिंग दिस वन बिकॉज ये हमारा कम्प्लीट साइड व्यू में uh, मिल जा रहा है रेफरेंस तो इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो शेप बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्रिएट कर्व टूल्स एंड वी विलेक्ट आउट सी वी कर्व टूल सेटिंग्स में चलते हैं रीसेट कर लेते हैं एंड नाउ लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग दिस थिंग सो टूल लेने के बाद में क्विकली हम लोग स्टार्ट करेंगे नीचे से लाइक दिस एंड लेट्स क्रिएट द शेप इनिशियली आप हो सके जितना कम पॉइंट्स को ऐड करें ताकि आपको कंट्रोल मिले यहाँ पे अब इस जगह पे आने के बाद में आई विल जस्ट ऐड सम मोर पॉइंट्स ऐसा like एक स्ट्रेट शेप तैयार करूंगा देन थोड़ा सा जूमआउट करते देखने के लिए नाउ दिस इज कैंड शेप लाइक दिस तो यहाँ पे राउंडनेस चाहिए हम लोगों को तो अगेन आइल यहाँ पे डालेंगे And then let's put a point over here. Points अभी फिलहाल आप जितना चाहिए उतना आप डाल सकते बाद में आके आप चाहिए तो उसे कम ज्यादा भी कर सकते रिबिल्ड करके आप उसे कम कर सकते हैं या फिर आप उसे एडजस्ट भी कर सकते हैं तो आई जस्ट क्रिएट द शेप लाइक दिस ओके एंड ये हमारा का वैसा बन के रेडी हो जाएगा like जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था रिवॉल्व के टाइम पे कि सी वी कप टूल को अगर आपको यूज करना है तो अगर आप शार्प कॉर्नर या शार्प शेप चाहते तो आप पॉइंट्स के नजदीक में पॉइंट एड करें जिससे आपका शेप शार्प हो जाता है सो इफ आई एम पुटिंग एनी पॉइंट क्लोजर टू अनदर वन तो यहाँ पे हमारा पॉइंट शार्प हो जाएगा नाउ वन मोर थिंग लेट से फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पे पॉइंट ऐड किया बट यू वॉन्ट सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको कहीं पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स की जरूरत है तो आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स कैसे ऐड करेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करने के लिए आप राइट right क्लिक करें और चले जाए पॉइंट पे कव पॉइंट पे आने के बाद में आप यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से ड्रैक करें ओके okay? जिस जगह आप पॉइंट रखना चाहते हैं वहाँ पे आके इस तरह से ड्रैक करें यू कैन सी ये एक ग्रीन कलर का ऐसा एक पॉइंट ऐड हो जाता है बट अभी फिलहाल ये पॉइंट ऐड नहीं हुआ ये हम लोगों को सिर्फ प्लेसमेंट बता रहा है कि पॉइंट हमारी कहाँ प्लेस होगी अब पॉइंट इंसर्ट करने के लिए हम लोग जाएंगे कर्व एंड आर गोइंग टू सेलेक्ट इंसर्ट नॉट इंसर्ट नॉट पे आपको क्लिक कर लेना है जैसे आपने इंसर्ट नॉट पे क्लिक किया अब आप राइट क्लिक करके कंट्रोल वर्टेक्स में जाएंगे तो नाउ यू कैन सी यू गॉट वन एक्स्ट्रा पॉइंट तो अब आप इसे अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं सो so, अब अकॉर्डिंग टू योर शेप जस्ट मूव द पॉइंट्स एंड जैसा भी आपका ज्योमेट्री का शेप है उसके अकॉर्डिंगली आप उसे मॉडिफाई करके रख ले तो मैं यहाँ पे धीरे से आराम से इस चीज़ को एडजस्ट कर लेता तो। हूँ आप भी इसे धीरे धीरे एडजस्ट करें ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है जितना आराम से काम करेंगे उतना अच्छा आपका शेप बनेगा एंड हैव पेशेंस क्या दिस वर्क दिस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट पेशेंस अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे सो ट्राई टू कीप एज मच ऑफ पेशेंस यू हैव और आराम से काम करें और दूसरी चीज़ है आप अपने शेप और ज्योमेट्री जिस जिस तरह की शेप और ज्योमेट्री को आप क्रिएट कर रहे हैं उसे आप अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर ले और राइट right, तो ये हमारा शेप बन के रेडी हो गया अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पे तो आप देख सकते हैं परस्पेक्टिव में ये शेप इस तरह से अब हम लोग यूज़ करेंगे रिवॉल्व को बट नेक्स्ट चीज आपको जो ध्यान देनी है वो है आपका पिवेट जैसे कि रिवॉल्व क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि पेवेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां भी आपका पिवेट होगा वहां से आपका सरफेस क्रिएट होगा एज यू कैन सी ये हमारा सेफ ऐसा तैयार हो रहा है सो वट आई डू आई एल मूव दिवेट पेवेट मूव करने के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि आप प्रेस कर सकते की बोर्ड पर इंसर्ट मूव कर ले पिवेट को लाइक दिस एंड जस्ट प्लेस इट इन प्रॉपर पोजिशन लाइक दिस देन वापस से इंसर्ट दबा के एडिट पेवेट मोड से बाहर आ जाए

तो लेट्स मेक यूज ऑफ ई पी टूल नाउ तो आप मिक्स मैच कर सकते हैं टूल्स का अकॉर्डिंग टू शेप आप यहाँ पे टूल्स का इस्तेमाल करें तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ ईपी कर्व टूल लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस एंड लाइक दिस एंड इस तरह से हमारा शेप बन गया राइट right क्लिक करके अगेन कंट्रोल वर्टेक्स में जाके आप इसे धीरे धीरे इस तरह से मॉडिफाई ठीक है तो ठीक है टाइम ईजिली आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा वक्त लगेगा बट आप धीरे धीरे इसे सीख जाएंगे प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इस पर हाथ बैठा लेंगे और अच्छे से अच्छा कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स शेप आप इजीली तैयार कर पाएंगे राइट तो right. so, ये शेप भी हमारा बन गया नाउ यू वॉट वी वॉन्ट टू डू वी वॉन्ट टू यूज अन एक्सट्रूड मेथड और हम लोग यहाँ पे एक पाइप तैयार करना चाहते हैं फॉर दैट आई विल बी यूजिंग अ सर्कल एक सर्कल हम लोग ले लेते हैं नब सर्कल लेट्स क्रिएट अ नियर शेप आप कैसा भी रख सकते हैं साइज लेटर वी कैन एडजस्ट दिस थिंग नाउ हाउ टू यूज एक्सट्रूड शेप सिलेक्ट कर ले पाथ सिलेक्ट कर ले सरफेस एक्सट्रूड वो डू सेटिंग्स लेट्स रीसेट दिस थिंग रीसेट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा थोड़ा प्रोफाइल चेंज हो गया है यानी ऑप्शंस चेंज हुए सो लेट्स स्टार्ट विथ डिफॉल्ट सेटिंग्स तो जैसे मैं अप्लाई करता हूँ यू कैन सी वॉट हैपेन्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हुआ ये शेप तो बना बट जैसा हमारा पाथ है उस तरह का शेप नहीं बना सो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ प्रॉपर शेप वॉट वी विल डू देट्स अगेन सेलेक्ट दिस एंड दिस नाउ स्टाइल तो हम लोगों को ट्यूब ही चाहिए बिकॉज वी वॉन्ट टू क्रिएट अ पाइप कांड ऑफ अ शेप रिजल्ट पोजिशन हम लोगों को चाहिए एट पाथ दिस इज द पाथ जहां मुझे मेरा पोजिशन रखना है राइट पिविट कहाँ पे होगा क्लोजेस्ट एंड पॉइंट चाहिए या कॉम्पोनेट कॉम्पोनेंट यानी कि हमारा वर्टेक्स हो या फिर हमारा आइसोपाम हो या फिर टेंजेंट हो वहाँ से सो आई वॉन्ट द पिवेट टू बी फ्रॉम कॉम्पोनेंट ओरिएंटेशन प्रोफाइल नॉर्मल या पार्ट डायरेक्शन यानी कि किस तरह से ये मूव होगा अगर मैं यहाँ पे पार्ट डायरेक्शन लेता हूँ एंड अप्लाई करता हूँ सी वॉट हैपन्स एंड इफ आई टेक प्रोफाइल नॉर्मल एंड इफ आई अप्लाई सी वॉट हैपन्स इन बोथ द सिचुएशन ये ऑलमोस्ट सेम हो गया बिकॉज यहाँ पे शेप सिंपल है कभी कभी ये थोड़ा सा और आपको ज्योमेट्री बना के देगा तो डेट टाइम वॉट यू कैन डू यू कैन चूज इधर वन ऑफ डोज और राइट उसके बाद हम लोगों को रोटेशन एंड स्केलिंग का ऑप्शन मिलता है इसे भी हम लोग आगे आने वाले क्लास में एक्सप्लोर करेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अभी फिलहाल के लिए ये हमारा पाइप बन के मिल चुका है बट दिस पाइप लुक्स अ क्वाइट वाइडर यानी बहुत ज़्यादा मोटा पाइप है तो हम लोग इसे पतला करते हैं पतला करने के लिए आप सिंपली इस सर्कल को सिलेक्ट करें एंड यू कैन गो टू चैनल बॉक्स एंड नब सर्कल में जाके आप यहाँ पे रेडियस को एडजस्ट कर सकते हैं राइट सो लेट मी जस्ट एडजस्ट द रेडियस तो कंट्रोल प्रेस करता हूँ और धीरे धीरे मैं यहाँ पे इसके रेडियस को एडजस्ट करता हूँ एंड यू कैन सी हमारा ये शेप कम ज्यादा हो रहा है सो इफ आई कम टू फ्रंट व्यू एंड इफ आई टर्न ऑन वायर फ्रेम इट्स गो टू शेडिंग वायर फ्रेम यू कैन सी कितना शेप हम लोगों को चाहिए तो लेट्स सेलेक्ट द रेडियस एंड लेट्स सेट इट ओके दिस इज स्टिल कनेक्टेड विद द पाथ तो आप यहाँ पे आके पाथ को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड पाथ को मॉडिफाई कर सकते जस्ट राइट क्लिक गो टू कंट्रोल वेक्स एंड यू कैन गो एंड इट ठीक है बट अभी की फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से ये शेप ओके है और राइट नाव आफ्टर क्रिएटिंग दिस टू शेप वी वॉन्ट टू मेक दिस शेप ये थोड़ा सा जोमेट्री कॉम्प्लेक्स लग रहा है yes. थोड़ा डिटेल से और थोड़ा आराम से आपको यहाँ पे काम करना है सो लेट मी जस्ट क्रिएट द शेप सिमिलर मेथड हम लोगों को यूज करना है विल गो टू क्रिएट टूल्स टूल सिलेक्ट कर लेते हैं एंड फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट मेकिंग दिस शेप, लाइक दिस। ओके इस तरह से हम लोग इसे बनाना स्टार्ट कर देते हैं राइट शेप right. थोड़ा डिटेल हम लोगों को हम दिखाई देगा तो वी कैन जस्ट सिंपली जूम आउट एंड जस्ट चेक इट अगर आप हाई क्वालिटी इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको जूम करने पे ज़्यादा पिक्सलेशन नहीं मिलेगा यू विल बी एबल टू सी मोर डिटेल्स बट अभी मेरे पास इमेज की क्वालिटी इसी तरह की है तो इट्स अ लिटिल लो क्वालिटी तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल देखना इम्पॉसिबल बट आई विल स्टिल ट्राई टू डू माई बेस्ट एंड मैं यहाँ पे शेप को थोड़ा प्रिसाइसली बनाने की कोशिश कर लेता हूँ सो लेट्स क्रिएट इट लाइक सो लाइक सो एंड लाइक राइट right. तो ये हमारा पाथ बनते जा रहा है इस तरह से तो लेट्स कम बैक टू द सेंटर अब यहाँ से हम लोगों को शेप दिखाई नहीं दे रहा है बट वी कैन एज्यूम दैट दिस पोर्शन इज सिमिलर टू दिस वन तो ऐसा ही हम लोग शेप को बनाएंगे तो वट आई डू आई क्विकली क्रिएट दिस शेप तो मैं इसे फटाफट बना के एडजस्ट कर लेता हूँ Created this path. Just थोड़ा सा लंबा पाथ था कॉम्प्लेक्स थार यू गाइज तो मैंने थोड़ा सा फटा फटाफट कर लिया ना कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता दू यहाँ पे शार्प uh, एडजस्ट के लिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप कॉर्नर पे शार्प चाहते तो आप उसे नजदीक रखेंगे उतना ज्यादा आपका पॉइंट और कॉर्नर शार्प होगा लाइक दिस सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट ड्रॉ योर शेप अब आपको क्या करना है सिंपली सिलेक्ट करना है इस जोमेट्री को डोर टू सरफेस Revolve and there you go. You go. रिवॉल्व एंड गो यू कैन क्रिएट अस this दिस वेरी नाइस this looks very nice. so, ये हमारा शेप इस तरह से बन गया हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे कब सर्फेसिस के अंदर टॉरस तो नॉब्स टॉरस या आप चले जाए क्रिएट प्रस एंड चूज तरह से क्लिक कर लें लाइक दिस एंड यू कैन जस्ट एडजस्ट द थकनेस तो ये हमारा इस तरह से ये रिंग भी बन जाएगा एंड देन यू कैन जस्ट मेक कॉपी तो जस्ट कंट्रोल डी दबा ले डुप्लीकेट कर ले यहाँ पर रख लें इसे रोटेट आप कर लें लाइक सो परस्पेक्टिव में जाके आप इसे चेक करें इंटरसेक्शन आपको रखना है लाइक दिस एंड देन यू कैन जस्ट मेक यू कॉपीज लाइक दिस इस तरह से आपकी कुछ कॉपीज तैयार हो जाएंगी एंड ये आपके चेन बन के रेडी हो जाएगी ओके okay, तो ये आपका सिंपल सा शेप और प्रोफाइल बन के रेडी हो गया अब बारी आ जाती है कॉपीज तैयार करने की एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये एक ही लैम्प शेड है तो हम लोगों को और चार कॉपीज चाहिए बिकॉज वी ऑलरेडी व्हाट वी विल डू वी विल जस्ट सेलेक्ट दिस एंड दिस एंड हम लोग इसे ग्रुप कर लेंगे सो लेट्स गो टू एडिट एंड ग्रुप द फाइल ग्रुप कर लेते हैं दोनों ज्योमेट्री को अब हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अपने डुप्लीकेट स्पेशल ऑप्शन को यहाँ पे चलते हैं सेटिंग्स में लेट्स रीसेट दिस थिंग एंड एज यू कैन सी वी गेट लॉर्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन अभी जब तक आप इस शेप में चेंजेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे जो ज्योमेट्री जो टाइप है उसे रख सकते हैं कॉपी के बदले में इंस्टेंस पे इंस्टेंस पे रखने का बेनिफिट ये होता है कि अगर आप एक ज्योमेट्री कोई भी कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो बाकी के ज्योमेट्रीज so में भी इफेक्ट करेगा लेट मी शो यू सो इफ यू सिलेक्ट इंस्टेंस एंड हम लोग आते हैं रोटेट में एंड वी विल पुट अ वैल्यू ऑफ सेवेंटी टू डिग्री एंड अप्लाई करते हैं एंड नाउ इफ यू सी अगर मैं इस ज्योमेट्री के ऊपर किसी भी तरह की चेंजेस करूँगा यू कैन सी दैट विल गोइंग टू इफेक्ट दिस ज्योमेट्री तो अगर आप ऐसे कॉपीज वाली ज्योमेट्री तैयार कर रहे हैं जिनके ऊपर आपको चेंजेस करना है और वो सारे ज्योमेट्रीज के ऊपर इफेक्ट करे तो आई वुड रेकमेंड कि आप यहाँ पे यूज कर लें इंस्टेंस तो अभी फिलहाल के लिए मैं इंस्टेंस ही यूज करूंगा बट हां फाइनल आउटपुट के टाइम रेंडरिंग के टाइम हम लोगों को इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज इंस्टेंसिस के नॉट बी रेंडर्ड तो अब हम लोग क्या करते हैं लेट मी जस्ट रीसेट दिस अगेन मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ ज्योमेट्री टाइप आपको चूज करनी है इंस्टेंस ग्रुप अंडर पेरेंट रोटेशन के लिए हम लोग डालेंगे 72 डिग्री बिकॉज वी वांट फाइव नंबर्स एंड 360 डिग्री को अगर हम लोग डिवाइड करें फाइव से तो वी गेट 72 नंबर ऑफ कॉपीज में हम लोग चूज करेंगे फोर बिकॉज वन वी ऑलरेडी हैव सो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट फोर एंड नाउ लेट जस्ट डिलीट दिस वन एंड हम लोग इसे सेलेक्ट कर लेते हैं एंड हम हम लोग करेंगे अप्लाई जैसे हमने अप्लाई कर दिया नाउ यू कैन सी वी गॉट दिस शैंडल हम लोग यहाँ पे इस कर्व को हाइड कर देते लेट्स गो टू आवर आउटलाइनर सिलेक्ट ऑल दिस कर्व्स एंड हम लोग इसे हाइड कर देंगे एंड अब देखेंगे तो आपका यहाँ पे एक सुंदर सा शैंडल बनके बन के रेडी हो चुका है तो नर्व्स के हेल्प से एक्सट्रूड एंड वी कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स जोमेट्री इजिली ओके सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी तो आप लोग भी इस तरह से ट्राई करें बनाएं ऐसे शेंडिलियर्स को और मेरे साथ शेयर करें वर्क्स आप लोग शेयर कर सकते हैं आपके वर्क्स इंस्टाग्राम पे आप लोग डीएम कर दें यस आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड विथ माई टेलीग्राम चैनल तो आप टेलीग्राम अगर यूज़ करते तो टेलीग्राम पर जाके आप जी ज्ञान को सर्च कर सकते हैं आपको मेरी पेज मिल जाएगी या चैनल मिल जाएगी एंड ग्रुप भी मिल जाएगी तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम के तो सब चैनल पे मैं कंटिन्यूसली वीडियोस के लिंक्स और बाकी के चीज़ें इंटरेस्टिंग पोस्ट करता रहूँगा एंड ग्रुप पे अगर आप लोगों को किसी तरह की क्वेरी है आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आप लोगों को किसी भी तरह का आपका वर्क शेयर करना है या फीडबैक लेना है तो वो भी मेरे टेलीग्राम पेज पर पे आप कर सकते हैं टेलीग्राम के पेज की लिंक मैं चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा आप लोग वहां से भी डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को भी ऑलराइट तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई रहेगी क्लास पसंद आई इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड कमेंट करके प्लीज़ गाइज आपके फीडबैक्स ज़रूर शेयर करें आपके फीडबैक्स से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मुझे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनानी चाहिए बिकॉज मैं यहाँ पर डेली मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए अभी अपार्ट फ्रॉम वॉट माई परमानेंट फुल टाइम जॉब इज़ उसके बाद भी मैं आपके लिए डेली दो से तीन घंटे निकालता हूं एंड आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता हूं और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों के लिए डेली वर् वीडियोस अपलोड करते रहो तो आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कमेंट करें सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें ठीक है तो फिर आज के क्लास में इतना ही प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करके वर्क शेयर करें ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग